आइए फ्रेंड्स, पहले वीडियो में आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आपने यह भी देख लिया कि एससीएम, एससीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आइए इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज दैट मीन्स कि 1.2 के क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके पहले मैंने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल सारे बता दिए थे और आप आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1.2 का और इन सब की रैंकिंग के साथ मैं करवाता हूँ और इस वाले टॉपिक पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हैं। जैसा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो आपके कहाँ पे थे, वो आपके स्टैंडर्ड लेवल के थे। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक लेवल के होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है बी के सर्स रैंकिंग। तो रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इस केस में मैं रैंकिंग आपका 5 स्टार की रैंकिंग रखूंगा और अगेन मैं बेसिक लेवल बताऊंगा। यहाँ पर ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, दैट मीन्स कि 2020 में जो आपका पेपर होगा उसमें बेसिक लेवल के कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब करेक्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हमें निकालना है। ठीक है, हर नंबर को क्या करना है, प्राइम के फॉर्म में। दैट मीन्स के सारे नंबर जो दे रखे हो क्या है, कंपोजिट नंबर है, तभी तो उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में हम ब्रेक करेंगे ना। चलिए तो पहला जो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं दैट इज 140। तो 140 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला छोटा प्राइम, सबसे जो 2 है, याद रखिएगा 2 एक इवन प्राइम है। इसके बाद कोई भी आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो 2 से लेकर के 70 किया, फिर अगेन हमने क्या किया 2 से और 35 किया और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 से 7 करेंगे। That means कि 140 को हमने एक्सप्रेस कर लिया 2^2 इंटू 5 × 7 के फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट आते हैं 156 की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास 156 है। तो 156 में भी अकेला जो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है तो उससे डिवाइड होगा। तो 2 × 2 = 7 = 14, 1 कैरी किया तो 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से अगेन जाएगा, 2 × 3 = 6 × 2 = 9 + 3 = 12, दैट मीन्स की डिविजिबल बाय 3। तो 2 के बाद 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स की 13 × 3 = 39, 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। तो 156 को बच्चों हमने ब्रेक जो किया 2^2 × 3 × 13 के बराबर कर दिया। ठीक है ना, अब हमारे पास सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट जो है 3825 है। थर्ड पार्ट जो है दिस इज 3825 है। चलिए अब इसको देखते हैं कि भाई ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से हो सकता है। 3 से अगर होने के लिए इन सबका सम जो होगा वो भी 3 से होगा। दैट मीन्स 8 और 3 = 11, 12 = 13 और 13 और 5 जो है 18। 18 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 3 से लेते हैं। ठीक है ना, तीनों का जो सम होगा दैट मीन्स कि 3 + 8 + 2 + 5 = 5, 5 + 2 = 7, 3 + 10 = 18 होगा ना। तो 18 डिवाइडेड बाई 3 डिविजिबल है ना 6 से, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 6 से। तो 3 से किया तो 3 × 1 = 3। आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। मैं बताया था कि सिली मिस्टेक से बचने के लिए पहले स्टेज में बहुत आराम से करिए। और 3 × 2 = 6, 2 कैरी किया, 3 × 7 = 3 × 5 = 1 × 2 = 7 × 5। अब चेक करते हैं कि अब फिर से 3 से होगा, 2 × 1 = 3, 7 × 3 = 10 और 5 = 15, यस होगा। दैट मीन्स कि 3 से फिर से होगा। तो 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 =, दैट मीन्स कि 425, ये आपके पास 1275 होगा। फिर 3 से होगा, 5 × 4 = 9 और 2 = 11 नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम 5 से करेंगे। तो 5 × 8 = 40 और 5 × 5 = 85 आ गया। फिर क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो ये 17 × 5 = हो गया। 17 एक प्राइम नंबर है। तो 3825 को हम क्या लिखेंगे, 3^2 × 5^2 × 17 लिख देंगे। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। ठीक, अब आते हैं 5005 में आते हैं। तो 5005 को चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, 5005 को चेक करते हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो फटाफट ऐड करके चेक कर लीजिए, 5 और 5 = 10, दैट मीन्स कि 10 3 से डिवाइड नहीं है इसलिए नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है इसलिए 5 से होगा। 5 से अगर आप करते हैं तो ये आपके पास आ गया 1001। अब 1001 को चेक करने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। तो 7 से हो सकता है, तो 7 से चेक कीजिए, दैट मीन्स कि 7 1 जा
और 7 3 सेवन फोर जा 28, हाँ 7 से डिविजिबल होगा, तो ये 7 से कर दिया बच्चों हमने, तो ये 7 1 जा, फिर उसके 3 करके 7 4 जा 28, 2 7 3 जा, नहीं 7 1 जा 7 ठीक है, और 3 किया 7 4 जा 28 और फिर 2 21 7 3 जा 21, ये आपके पास आ गया। इसके बाद ठीक है 173 जो है चेक करते हैं, 7 से 1 किया तो 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 4 जा होगा ना, ये यहाँ पे 7 4 जा 28 कर लीजिए और फिर दो, हाँ तो अब आ जाएगा। अब आपके पास ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल है, 11 1 जा एंड 11 3 जा, दैट मीन्स कि 13 आ गया, दैट मीन्स कि 5005 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या करेंगे हम 13 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ के पास फिफ्थ पार्ट है, दैट इज 7429 है, तो 7429 ले लेते हैं, 7 and 4 2 9 लेते हैं, तो 7429 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान रखिएगा, अचानक आपको बताने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यह नंबर जो है वो 17 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि 17 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, फिर आगे करेंगे तो 437 आ जाएगा, ठीक है, और 7 प्लस 3 10 एंड प्लस 14, दैट ये भी, और 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो अब हम इसे क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर देन वी विल टेक इट 19 से डिविजिबल, 437 जो होगा 19 से डिविजिबल होगा, 19 9 3 जो 27, दैट मीन्स कि 23 टाइम्स में जाएगा। अब इस 7429 जो है दैट इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, दैट मीन्स कि इस वाले पार्ट में थोड़ा सा एक फिफ्थ वाला पार्ट जो है इसकी प्रैक्टिस आपको ठीक से करनी पड़ेगी, दैट मीन्स कि सारे के सारे पार्ट बड़े आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अचानक दिमाग में नहीं जा पाएगा कि 17 से, क्योंकि 9 है लास्ट में, तो 3 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी, तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर एक अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी सारे पार्ट बहुत इसके आसान थे। तो ये तो आपका रहा फर्स्ट पार्ट में, हमने देखा कि इसकी रैंकिंग के साथ 5 स्टार की रैंकिंग दी, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में देते हैं, इसकी रैंकिंग हमने दे दी थी ना, हाँ रैंकिंग हमने 5 स्टार और बेसिक लेवल दे दिया था। अब आते हैं अगले पार्ट में, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, कि हमें एसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, और कह रहे कि वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एसीएफ जो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा, और पहला हमारे पास इसकी भी रेटिंग मैं अब 5 स्टार रेटिंग दूंगा, ठीक है, और यह भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े से कैलकुलेशन इसमें लेंदी हो सकते हैं, जैसा कि पहले वाले के लास्ट पार्ट में था। तो पहले तो एलसीएम और एसीएफ निकालना है हमें यहाँ पर, तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम आते हैं, एलसीएम निकालते हैं 26 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 13 हो जाएगा, तो 26 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 मल्टीप्लाई 13। अब अगले पार्ट में आते हैं, दैट इज 91, तो 91 का हम देखते हैं, 91 को क्या करते हैं 7 से करते हैं, तो 7 1 जा और 7 और 3 जा 21, तो 91 जो हो गया वो क्या हो गया 7 इंटू 13 हो गया, तो 26 और का निकल गया 91 का, तो दोनों का जो एससीएफ होगा वो एससीएफ क्या होगा, एससीएफ ऑफ 26 एंड 91 जो होगा दैट इक्वल्स टू 13 के इक्वल होगा। अब एलसीएम आप उस फॉर्मूले से फाइंड कर लीजिए, दैट मीन्स कि एलसीएम जो होगा वो 26 और 91 का क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जो है वो 13, तो 13 टू जा 26, दैट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई 91, 1 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 182 जो हो गया इसका एलसीएम हो गया, तो एससीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब कह रहे कि दोनों नंबर का प्रूव करके वेरीफाई करके दिखाइए कि एलसीएम इंटू एससीएफ जो होगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एससीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल करके चेक करते हैं, तो एससीएफ हमारे पास 13 है और एलसीएम हमारे पास क्या है 182 है, सॉरी 182 है, ठीक है ना, तो 182 को हम क्या करते हैं 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, 4 कैरी 2
और 3 and 2 5, राइट। उसके बाद 1 2 2 एंड 1 8 8, 1 1 1, ये आ गया 6, 4 and 2 6, 8 and 5 जो हो गया 8 और 5 10 3 13, 3 एंड कैरी 1 and 2, दैट मीन्स कि 2 3 6 आ गया, 2 3 6 आ गया। अब a इंटू बी मतलब कि a इंटू बी जब करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई 91 हो जाएगा, तो 26 को अगर आप 91 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास यही आना चाहिए, दैट मीन्स कि 2 3 6 आना चाहिए। तो 91 का मल्टीप्लीकेशन 26 से किया हमने, तो ये आपके पास देख लीजिए 6 1 6 9 6 5 46 एंड 2 1 2 9 2 18, दैट मीन्स कि 6 4 एंड 2 6 8 3 एंड 2 3 6, दैट मीन्स कि क्या आ गया 2 3 6 आ गया। तो क्या देखा कि जो a इंटू बी हुआ वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ ए सी एफ और क्या है एल सी एम के इक्वल है। तो देखा यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने करवा दिया, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही मेथड है, ठीक है, कहीं भी डिफरेंट नहीं है। तो सेकेंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को आप क्या करें, होमवर्क में नोट कर लीजिए, दैट मीन्स कि दोनों का एस सी एफ निकाल लीजिएगा, एल सी एम निकाल लीजिएगा, निकाल करके दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ए इंटू बी के इक्वल होगा, ठीक है, बड़े आसानी से कर सकते हैं आप इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2, नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए कह रहे कि यहाँ भी एल सी एम और एस सी एफ हमें फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे 3 3 नंबर्स के आपके पास ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी 5 स्टार की रेटिंग रखूँगा मैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मैं ऐसे रखता हूँ, बाकी बेसिक लेवल में भी आ सकता है लेकिन मुझे लगता है स्टैंडर्ड लेवल में, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़े ऐसे कम क्वेश्चंस हैं जो 3 वाले टर्म्स में दे रखे होते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड लेवल में रखता हूँ। चलिए फर्स्ट पार्ट आते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें भी 2 पार्ट में करवा दूंगा, 1 पार्ट आपके लिए, एक फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ, ठीक है, और एक हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, या फर्स्ट सेकंड कर लेंगे, 1 पार्ट आप भी होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। चलिए 12 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या आएगा 2 into क्या आएगा 6, और फिर क्या आएगा 2 into क्या आएगा 3, दैट मीन्स कि ये 12 जो हो गया दैट इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब अगला पार्ट जो हमारे पास 15 है, तो 15 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 into क्या आएगा 5, दैट मीन्स कि 15 जो हो गया वो 3 into 5 के इक्वल आ गया। थर्ड पार्ट हम करते हैं 21 की बात करते हैं, तो 21 को अगर हम करेंगे तो ये पार्ट आएगा आपके पास 3 into 7, चलिए तो 21 जो है वो 3 into 7 है। तो मैंने कहा था कि जो एस सी एफ होगा, दैट मीन्स किसका, 12 का, 15 का और 21 का, वो तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स कि एस सी एफ इसका 3 आ गया, एस सी एफ आंसर तो 3 आ गया। अब तीनों का जब हमें एल सी एम फाइंड करना हो तो क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने कहा था कि 12, 15 और 21 तीनों का अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो, तीनों में अलग अलग जितने डिफरेंट टाइप्स के प्राइम नंबर्स हैं उन सब का हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, तो 12 में देख लीजिए 2 और 3 है, 2 3 5 7 है, दैट मीन्स कि 2 भी है 3 भी है 5 भी है और 7 भी है। तो चेक कीजिए 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, और 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 ही है, 5 का भी बड़ा पावर 1 ही है और 7 का भी 1 ही है, दैट मीन्स कि 8 2 2 4 एंड 4 5 जा हो गया 20, और मल्टीप्लाई 3 into 7 हो गया, तो ये बचा के 20 मल्टीप्लाई क्या बचा 21, तो ये आपके पास 420 के बराबर आ गया, तो 420 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। तो देखा आपने कि फर्स्ट पास में 12, 15 एंड थर्ड 21 में हम निकाल दिया। अब इसका एक मेन जो है पार्ट, एक सेकेंड क्वेश्चन में करवाता हूँ, थर्ड आप होमवर्क में कर लीजिएगा, 7 23 एंड 29 17, अब सेकेंड पार्ट है कि 17 में देख लीजिए 17 प्राइम नंबर है तो इसका कुछ बनेगा नहीं, तो 17 जो होगा वो 17 के इक्वल हो जाएगा, 23 भी प्राइम नंबर है, दैट मीन्स कि यहाँ भी कोई इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो 1 into 17 आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, और 23 को 1 into क्या लिख सकते हैं आप, 23 लिख सकते हैं, और तीसरा जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 29 है, 29 इज अगेन अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये आपके पास 1 into 29 होगा। तीनों में चेक करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, दैट मीन्स कि इस केस में हम क्या कहेंगे, जो इसका एस सी एफ फाइंड हम करेंगे वो क्या करेंगे, 17 का, 23 का और 29 का, दैट इक्वल्स टू 1 होगा,
और जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू क्या करोगे 29, दैट मीन्स कि तीनों का आप प्रोडक्ट निकाल लेना। ठीक है, तो पहले क्या कीजिएगा, दो का प्रोडक्ट निकालिएगा, फिर जो आएगा उसको तीसरे वाले प्रोडक्ट से निकाल लीजिएगा। जैसे क्या करेंगे, 17 का 23 से, तो 7 3 21 1 कैरी 2, 3 1 3 एंड 2 क्या हो गया 5, एंड 7 2 14 4 कैरी 1 2 1 2 एंड 1 3, तो आपके पास 1 9 3, दैट मीन्स ये क्या होगा 391 में। अब हम क्या करेंगे, 391 आएगा ना, 7 3 21 1 कैरी 2 3 एंड 2 5, ठीक है 34 19। अब 391 में अब क्या करेंगे, हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 391 का मल्टीप्लीकेशन 29 से करोगे, 9 1 9 9 9 81 1 कैरी 8 9 3 27 और 27 और 3 30 और 5 35 3 5 1 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जब करेंगे 2 1 2 2 9 18 8 कैरी 1 3 2 6 एंड 7 हो जाएगा, तो 9 3 और 8 10 13 हो जाएगा, 10 और 11 1 1 3 9 आएगा, दैट इक्वल्स टू 1 1 3 9 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका दोनों का, अगर पूछा जाए केसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट तो आप ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक, इसमें एसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट नहीं पूछा जा रहा, हमने ऐसे ही निकाल लिया। ठीक है, तो अब बाकी आप एसीएफ सॉरी एलसीएम तो पूछा जा रहा है, तो एलसीएम जो होगा दैट विल बी क्या होगा 11 1 3 9 होगा, क्योंकि तीनों में कोई भी उसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे नहीं, दैट मीन्स कि तीनों प्राइम नंबर्स का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। नाउ इसका थर्ड पार्ट आप बड़े आसानी से कर लीजिएगा 8 9 और 25 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास दे रखा है, एक पार्ट गिवन है और सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट करना है। तो चलिए जी आते हैं, गिवन एसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना वेरी सिंपल। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल्स टू जो होगा, मान लेंगे हम एक नंबर जो है 306 है और बी जो है वो 657 है। ठीक है, और एलसीएम आप एसीएफ आपके पास दे रखा है, तो एलसीएम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या हो जाएगा एसीएफ के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स कि 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 से 306 देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 3 27 और 3 9 4 जा, दैट मीन्स कि 34 मल्टीप्लाई 657 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा एलसीएम, तो 657 में क्या करेंगे 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 8 एंड कैरी 2 5 4 20 एंड 2 22। ठीक है, और कैरी 2 6 4 20 24 एंड 2 26, 7 3 21 1 एंड कैरी 2 और 5 3 15 एंड 2 17 7 एंड कैरी 1 एंड 6 3 18 एंड 1 19। ठीक है ना, ये कार्ड है, तो 8 2 3 7 6 जो हो गया 7 3 10 एंड 3 13 3 कैरी 1, 9 8 2 11 और 1 12 2 एंड कैरी 1 एंड 2, दैट मीन्स कि 22 ये जो आपके पास आएगा 22 338 के इक्वल आएगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टार रैंकिंग में भी इसकी 5 स्टार रैंकिंग देंगे और ये आपके पास बेसिक लेवल का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, नाउ वी आर कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं क्या हमारे पास है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि चेक वेदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारे पास। चलिए अब नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि चेक कीजिए कि 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो 6 raised to the power n का मतलब जो हो गया वो 6 कंपोजिट नंबर है, जब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक करेंगे तो 2 × 3 का पावर n हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 2 का पावर n इनटू 3 का पावर n है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें प्राइम फैक्टर्स केवल और केवल 2 और 3 है, दैट मीन्स कि 6 raised to the power n कैन लिख देंगे एंड विद डिजिट 0 कैन एंड विद इफ 6 raised to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 देन इट मस्ट बी क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई, बताया था ना, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है,
So it contains, so 6 raised to the power n contains prime number as 5 hoga. ठीक है, but 6 raised to the power n does not contain prime 5, so it will not end with that digit 0. So it will not end with digit 0. ये तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, पहले भी करवाया था कि 0 के साथ एड नहीं करेगा, क्योंकि 6 में जो प्राइम है 2 और 3 है, दैट मींस कि 5 होना चाहिए. अगर 0 के साथ एंड करेगा, 5 नहीं है, इसलिए 0 के साथ एंड नहीं करेगा. इसकी 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 5 था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. 6th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है. करें कि क्वेश्चन नंबर 6th, अभी आपने कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इसको प्रोडक्ट अब हम क्या कर सकते हैं, प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं. तो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर. द कंपोजिट नंबर जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं. तो पहले तो इसकी रेटिंग दे दूँ, तो 5 स्टार रेटिंग है. पहले पार्ट आप याद रखिएगा, 5 स्टार रेटिंग है इसकी. और सेकेंड पार्ट जो है स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पहले पार्ट को एक बार लेकर के. तो हमारे पास दे रखा है कि 7 × 11 और उसके बाद × 13 एंड + 13. तो एक काम करते हैं, पहले इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक करते हैं. तो प्रोडक्ट को जो यहाँ पे जो ट्रबल जो क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है. हमें प्रोडक्ट के साइन में चाहिए, तभी तो एक कंपोजिट नंबर होगा. तो एक काम करते हैं, दोनों में हम 13 कॉमन ले लेते हैं. तो 7 × 11 13 कॉमन ले लिया और ये प्लस 1 आ जाएगा. तो अब 13 और 11 7 जा 77 प्लस 1 जो होगा वो 78 आएगा. अब 78 जो है वो क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर है क्यों, क्योंकि इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसको 13 × 78 को जब आप ब्रेक करोगे, तो 78 को कैसे ब्रेक करोगे देखो आप. ठीक है, पहले तो आप क्या करोगे, 2 से करोगे. तो 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = फिर आप क्या करोगे, 3 और 13 करोगे, है ना. तो अब आपने क्या किया, इस 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13 2 × 3 × 13 ये आपके पास आ गया 2 × 3 × 13. तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक हो गया ना. तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक हो गया. ठीक है, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स कहा जाएगा. ठीक है, तो आप अगला पार्ट भी बिल्कुल इसी के पार्ट है, पैटर्न पे अगला पार्ट है. अगले पार्ट को भी देख लेते हैं. हमारे पास क्या था, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 7 × 2 × 1 + 5 है ना, ये प्लस 5 के बराबर है. अब सब में क्या कॉमन है, देखिए 5 कॉमन है. तो 5 जब कॉमन लेंगे तो 7 × 6 5 तो हट गया, 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आ गया. ठीक है, 5 आ गया. अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई, 7 × 6 = 42 हो जाएगा. 42 × 4 × 3 = 12 एंड 12 × 2 = 24 24 + 1 हो जाएगा. एक स्टेप और इसको हम लिख लेते हैं, 42 का 24 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 4 × 2 = 8 4 × 4 = 16 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8 ये आएगा 8, 6, 4, 10, 0 और ए 10. तो 1008 आएगा, 5 और ए 1008 एंड प्लस 1 होगा. ठीक है, तो ये 5 × 100 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा. और 1009 जो है वो एक प्राइम नंबर है. दैट मीन्स क्या हो गया, ये प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम में ब्रेक हो गया. प्रोडक्ट ऑफ किस में ब्रेक किया हमने, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक किया. सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में अगर हम ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा. बढ़िया क्वेश्चन था. अब इसके हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इस एक्सरसाइज का. कह रहा है कि देर इज अ सर्कुलर पाथ. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट में.
लास्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या कह रहा है कि हमें इसमें एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है, यही हमें ध्यान में रखना है। कह रहा है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। मान लीजिए कि एक राउंड ड्राइव करने में 18 मिनट का टाइम लेती है। एक ऐसे हम राउंड बना देते हैं, एक राउंड को सोनिया ड्राइव करने में 18 मिनट का टाइम लगाती है, ठीक है। और ठीक है, एक कोई और भी है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि भी सेम को 12 मिनट में लगाता है, सानिया 18 मिनट लगाती है, और मान लीजिए रवि इसी पॉइंट पे आने में वो 12 मिनट लगा रहा है। तो कह रहे कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो कह रहे और सेम डायरेक्शन में आते हैं, तो कितने देर के बाद दोनों मिल जाएंगे। तो कितने देर के बाद मिलेंगे, देखिए ना आप, मान लीजिए कि पहला 18 है, देखो ये 18 है, तो अब आगे चलते रहेंगे हम इस स्टेप पे आ गए, ठीक है। ये 12 मिनट हो गया, अभी भी आगे चलते रहेगा, तो एक समय दोनों कहाँ पर मिलेंगे, तो दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो मतलब को क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। फैक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि फैक्टर तो इसके पहले वाला पार्ट होगा, ठीक है ना। आगे दोनों को मिलना है ना, तो आगे जहाँ पे दोनों मिलेंगे दैट विल बी क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड टाइम हम लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ क्या लिखेंगे, 18 एंड 12, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, और 18 एंड 12 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 18 को आप प्राइम फैक्टर से कर लीजिए, दैट मीन्स कि 2 इंटू क्या होगा, ए 9, एंड दैट इज 3 इंटू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और फिर हम अगर 12 की बात करें तो 12 जो है दैट इक्वल्स टू ये क्या हो गया, 2 इंटू 6, एंड दैट इज 2 इंटू क्या हो गया, 3 हो गया। तो 18 को जो हम लिखेंगे दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 12 को जो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, 3। अब दोनों का जो एलसीएम है चेक कर लीजिए, एलसीएम को लेंगे 18-12 का, कि दोनों में जितने अलग अलग तरह के प्राइम नंबर हैं उन सब के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, एक तो 2 है और एक 3 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, 3 का हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2 2 जा 4, एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, दैट मीन्स कि 36 मिनट्स के बाद जो है दोनों मिल जाएंगे। अगर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में करें, जो मैंने आपको बिल्कुल एक देशी मेथड करवाया था कि 18 के मल्टीपल्स को लिख लीजिए, तो 18 और क्या लिखेंगे, 36। आप 12 के मल्टीपल्स को लिखिए तो 12, फिर उसके बाद 24, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 36 हो जाएगा, है ना। तो ये दैट मीन्स कि ये आपके पास ये 36 हो गया, ठीक है, इसके लिखेंगे तो आ गया 18 2 जा, और ये 36, दैट मीन्स कि लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 36 होगा। दैट मीन्स कि एलसीएम जो होगा वो 36 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अच्छा, मल्टीपल्स की बात करें, 12 हटा दीजिए तो 18 1 जा तो 18 होगा, 18 2 जा 36, इसके आगे फिर चलता रहेगा, ठीक है, फिर ये भी चलता रहेगा 24 36। देखिए दोनों में जो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल आ रहा है वो क्या, 36 आ रहा है। सो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा दैट विल बी 36 के इक्वल होगा। तो क्या देखा, इस सेगमेंट में हमने एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज जो था दैट इज 1.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने करीब करीब करवा दिए। एक या दो जो पार्ट था बहुत सिंपल, सो मैंने आपको होमवर्क भी दिए। अगले सेगमेंट में हम इसमें भी सुपर 25 सीरीज के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसका मैं डिस्कशन करूंगा। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके आप रखिए। याद जो करने वाली बात है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाकी एचसीएफ और एलसीएम के थोड़े से जो टेक्निक्स हैं वो जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी एक फॉर्मूला नया आपने पढ़ा कि ए इंटू बी जो है दैट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम के इक्वल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत जल्दी ही, ठीक है, अच्छे न्यूज़ को हम सब मैं आप सबके पास लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।